हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। भारतीय फैमिली लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे हरा मटर पनीर की सब्जी और आटे की फुलका बनाएंगे, जो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने आधा के जी मटर रखे हैं, चार मीडियम साइज के प्याज काट कर रख लिए हैं, दो मीडियम साइज के टमाटर काट कर रखे हैं, अदरक का पेस्ट रखे हैं, लहसुन का पेस्ट बना कर रखे हैं, सुधा का पनीर हमने लिया है, आप कोई भी पनीर ले सकते हैं, तेजपत्ता है, खारे मसाले है कुछ, दालचीनी, जीरा एक आधी चम्मच है, धनिया पत्ता है। यहाँ पर हमने पनीर को काट कर रख लिए हैं, आप इसे छोटा या बड़ा सेव कर सकते हैं। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें पनीर को रख कर फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो गया है, अभी से निकाल कर रख लेंगे दूसरे बर्तन में। सभी पनीर को इस तरह फ्राई करके रख लेंगे। अब इसमें मटर को पहले फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका हरापन होता है वो निकल जाए। दो से तीन मिनट तक इसको फ्राई करके रख लेंगे। इसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक रख लेंगे। फ्राई हो गया है, इसे निकाल कर इसके बर्तन में रख लेंगे। कढ़ाई में सरसों का ऑयल रखेंगे, तेज पत्ता रखेंगे, दालचीनी रखेंगे, जीरा आधी चम्मच रखेंगे, उसके बाद दो हरी मिर्च रखेंगे, रखकर भून लेंगे। इसमें प्याज का पेस्ट रखेंगे, इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है, हल्का गोल्डन होने तक भूनेंगे। अब इसमें अदरक एवं लहसुन का पेस्ट रखकर भून लेंगे, हल्दी रखेंगे एक चम्मच, धनिया पाउडर दो चम्मच रखेंगे, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच रखेंगे, अपने हिसाब से रख सकते हैं लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा तीखा या कम तीखा रख सकते हैं। इसके बाद टमाटर का पेस्ट रखकर अच्छी तरह से मसाला को भून लेंगे। मसाला पहले से अब ज़्यादा पक चुका है, अब इसमें मटर को रखकर चला लेंगे अच्छी तरह से। पानी रखेंगे ग्रेवी के अनुसार, पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं। अब इसमें फ्राई किए हुए पनीर को रखकर चला लेंगे। गरम मसाला रखेंगे एक चम्मच, एवरेस्ट गरम मसाला रखेंगे, आप कोई मसाला रख सकते हैं। धनिया पत्ता काट कर रखे हुए थे, उसके ऊपर से रख लेंगे। अब
सारे मिनट इसको पकाएंगे कवर करके। तीन से चार मिनट हो गए हैं क्योंकि इस समय सीजनली सभी सामग्री मार्केट में मिलती है। अब चलते हैं फुलका बनाने के लिए। इसके लिए हमने पहले से आटा गूंथ कर रख लिए थे। इसमें एक चम्मच नमक रखे हैं, मंगरेल है, दो से तीन चम्मच रिफाइन ऑयल रखकर गूंथ लिए थे। तरह गोला बनाकर रख लेंगे। पनीर को हमने दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। रिफाइन ऑयल में रखकर हमने इसे इस तरह पका लेंगे। देख सकते हैं कितनी फूली फूली फुलका बनकर तैयार हो रही है। सही फुलका किस तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर से ऑयल कर रख लेंगे। सारे पूरी को हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, रेडी हो गए हैं। आज की रेसिपी पसंद आए तो जरूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।